गाड़ी के बारे में समझेंगे मोनिका जी। जिस गाड़ी में नंबरिंग आ रही है वो गियर वाली कार, एक आ रहा है ये प्लान होता है, साइड में रिवर्स न्यूट्रल डाय मोड लिखा होता है वो ऑटोमेटिक कार है, तो अपने पास तो गियर वाली कार है, क्लियर हो गया। लेफ्ट पैर क्लिच दबाएगा, राइट पैर से ब्रेक एक्सीलेटर ए बी सी जो आपको पहले से पता हुआ है, हैंड ब्रेक नीचे कर देंगे चलने से पहले, अंगूठे से दबा कर दो नीचे ही, आपने गियर पर हाथ रखना है, गियर चेक करेंगे, आगे गियर न्यूट्रल पीछे गियर न्यूट्रल, फिर आपने तीनों ब्रश सेट करना है, राइट सेंटर लेफ्ट, जैसे आज मैंने कर रखे हुए हैं। यहाँ पर चाबी ऑन कर लेते हैं, इंडिकेटर देखो, लेफ्ट किया ऊपर, राइट किया नीचे, और यहीं पर डीपर, और आगे लाइट जलाने के लिए और बंद करने के लिए, ये पूरे में हॉर्न है। स्टेयरिंग पकड़ने के डायरेक्शन, जैसे घड़ी देखते हो आप, 12 यहाँ बजते हैं, 3 इधर, 6 इधर, 9 इधर, तो आपने 12 से लेके 3 के बीच में कहीं पकड़ सकते हो, इधर पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, हॉर्न देना आसान हो जाएगा इधर से, ठीक है। ये वाइपर आपके, आपके ए सी वेंट आपके यहाँ आने लग गए, आपकी गाड़ी में होंगे, ऑन ऑफ है, ये आपकी डायरेक्शन, हवा की स्पीड, ये डायरेक्शन हो गया, ये अब ये सब यहाँ पे आने लग गए। अब क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऐसा क्यों है, एक तो गियर में गाड़ी होगी तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरा BSS की कार क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो गाड़ी क्लिच दबी हुई, गाड़ी कर दो स्टार्ट, चाबी वहाँ पर लगी हुई, कर दो स्टार्ट, अच्छे से चाबी लगाओ, 2-3 सेकंड घुमाते हैं, बस छोड़ दो, गियर पातला उल्टा जैसे मैंने बताया, लेफ्ट और आगे, ये बना दिया हमने एल, क्या बना दिया, अब देखो 3-4 सेकंड में एड दबी रहेगी, पंजा ऊपर लाना है, नीचे मत देखो, सामने देखो, राइट मिरर देखो, पंजा ऊपर करो, 1-2-3-4 करके आने दो, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक जगह पैर जब सेट हो जाएगा, ये बिना रेस के गाड़ी चलाने की आदत डालें ज़्यादा से ज़्यादा, राइट मिरर देख के, सेंटर मिरर देख के सड़क पर आ जाओ, समय बनाएंगे 20 की रेस का, गियर पाथ उल्टा कर लो, क्लिच को पूरा छोड़ दो, काम खत्म करो क्लिच का, 20 की रेस बनाओ, राइट पैर से बनाओ 20 की रेस, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मिरर देख के चलेंगे बार बार, हर 30-20 सेकंड में देखने आदत होनी चाहिए, क्लिच 1 सेकंड में नीचे दबा दो पूरा, और लेफ्ट झुका के गियर 1-2 में लगवा रहा हूँ अभी, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, पूरी क्लिच छोड़ दो, और इंडिकेटर पर दे दो लेफ्ट का, मोड़ते समय ध्यान का रखना है, आधा करना है क्लिच, रेस वाले पैर ब्रेक पे लो, राइट साइड देख लो, लेफ्ट देख लो, और अपना नो पकड़ो एक बार, और सड़क पे नहीं चढ़ेंगे, छोटा मोड़ करके आएंगे, क्या करेंगे, तो ये कॉर्नर और ये लेफ्ट वाला मिरर देखते हुए हमने छोटा मोड़ कर लिया, सीधा करते आएंगे सड़क से नीचे, सेंटर देखो, राइट मिरर देखो, धीरे धीरे सड़क पे आ जाओ, अगर हम डायरेक्ट सड़क पर चढ़ते हैं ये स्कूटर वाले अंकल ठुक जाते हैं, तो पहले क्या करना है, हमने साइड कवर करना है, तो अब धीरे धीरे अपनी पोजिशन लेनी है सड़क पर आने की, धीरे धीरे आते जाओ, फिर राइट में देखो आगे गाड़ी आ रही है, इस पर ध्यान रखो, वो लेफ्ट जा रहे, जाने दो उसको, पैर ब्रेक पर ले लो अपना, जब तक रोड खाली नहीं मिले तब तक क्लिच ब्रेक पर कंट्रोल कर लो, वापस रेस लो और क्लिच छोड़ देंगे। तो अपना जो मेथड है मोनिका जी, एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, दूसरे रोज रोज वीडियो बनाते हैं, पूरे साथ ही साथ बोल बोल के ट्रैफिक रूल सिखाते रहते हैं, काम का अच्छा सिखाते हैं, चलते रोड से काम करवाते हैं, जिससे कि सामने वाले का डर पहले दिन से निकल जाए, जितनी जल्दी डर निकलेगा उतनी जल्दी मैं आराम से बैठता रहता हूँ। सिंगल रोड है, व्हाइट पट्टी के लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, व्हाइट पट्टी के राइट में उस साइड से आने वाले का रास्ता, इधर से जाने वाले का रास्ता, इसी कंट्रेस को कंट्रोल करते हो, कैसे लग रहा है, बढ़िया रेस बना रहे को, हाथ हल्का रखो, बीच बीच में हॉर्न यूज़ करो, हल्का सा राइट आओ धीरे से, होशी से, हाँ जी ऊपर दे दो, लेफ्ट जाएंगे सेम काम, इंडियर दे दिया हमने, रेस वाले पे ब्रेक पे लो, आधा क्लिच करो, नो पकड़ लो, ऐसे हाथ पकड़ लो ऐसे अंदर से जैसा लग रहा है, ये कॉर्नर देखना है और मिरर देखना है, कॉर्नर को देखना है कि गाड़ी नीचे नहीं उतरने देनी है, अगर कोई होगा तो तार देंगे, जैसे अंकल आगे सामने हमने पूरी तार दी, कि अंकल गाय को बचाने के लिए आ गए इधर, तो हमने अपनी गाड़ी उतारनी पड़ेगी, फिर खड़ा करेंगे क्लिच और ब्रेक, और इस काम को मैं क्या करूँगा 5-6 दिन करवाऊँगा, तो आप नहीं कर पाओगे, कर लेंगे ना, बस तो फिर वापस शुरुआत कर रहे हैं। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लैंड कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लैंड क्या है, अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पे खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ, तो जैसे किया यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, यह गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ, पर फर्स्ट लगाना हमने, तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है, पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है,
अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 0 से 20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड हो गया। यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रही है आपकी 20 से लेके 30 तक, कितना? 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है तो आपने क्या रखना है, यहीं पर बनाए रखना है। आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया? थर्ड। सेकंड से कैसे गए दोबारा देखो, ये गया और ये और ये, थर्ड में चले गए। यहाँ रेस कितनी रहेगी, 30 से लेके 40, कितना? 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ। यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50, कितना? 40 से 50। इससे तेज चलाना है, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना है आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा, देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी, 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का, रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी, कहाँ चलेगी? लेफ्ट। अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड़ करते हैं, क्या करते हैं? छोटा मोड़। क्रॉसिंग हो सकती है कोई, नहीं भी हो सकती है, जो राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड़ करके इधर चले जाना, क्या चलना है? मतलब राइट के लिए बड़ा मोड़, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, ठीक है। इसे हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। स्टैंड लगा दो, वहाँ से निकालो और उधर लगा दो, ये हो गया, ठीक है। बोनट खड़ा कर दो, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले चलते हैं हम राइट साइड से, यहाँ पे आपका कूलेंट पानी है, ये राइट एयर में जाता है। राइट एयर जब भी सर्विस कराओगे पूरा क्लीन करा के तब आपने कूलेंट प्लस डिजिटल वाटर भरवाना है। ठंडी गाड़ी में हम चेक कर सकते हैं पर गर्म होगा तो नहीं चेक करेंगे, पानी फुल है बंद कर देते हैं। इसका एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भरना है फिर इसमें नहीं भरना, ठीक है। ये ठंडी गाड़ी में चेक कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी, बैटरी के तार देख लो, अगर लूज हैं तो ग्रीस लगा उसे टाइट कर लो, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। अगर आप कहीं जा रहे हो 2-3 महीने के लिए तो बैटरी के टर्मिनल खोल के रख दो तो यहाँ बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। फिर उसमें कुछ फिल्टर होते हैं और कुछ इसमें ऑयल डलते हैं, एक फ़िल्टर यहाँ पर दिया हुआ है, एक फ़िल्टर इंजन ऑयल के साथ चेंज होता है, जब ऑयल जितने बार चेंज होता है उतने बार उसका फिल्टर चेंज होता है। ऑयल चेक करने का तरीके, इसको बाहर निकालो, जैसे कल बताया था उसको बाहर खींच लो, और ऑयल 2 पॉइंट तक होना चाहिए और चिकनाइट भी चेक करना है। ये 2 पॉइंट आ गए, यहाँ तक ऑयल है और ऑयल इसमें फुल है, ठीक है, मात्रा भी ठीक है। बंद कर दो, उस जैसे निकाला था वैसे लगा दो। फिर यहाँ पर ब्रेक ऑयल दिया है जिसके द्वारा ब्रेक लगती है, एक यहाँ पे होता है गियर ऑयल, वो मिस्त्री से चेक करा लेना उसका कि मात्रा कैसी है, ठीक है। ये तो हो गया ऑयल, कुछ दिया फिल्टर, एक दिया हुआ यहाँ पे एयर फिल्टर, एक वहाँ फिल्टर हो गया, एक एसी फिल्टर अंदर होता है, वो मिस्त्री साफ करा लेना, खुद सीख जाना, ठीक है। यहाँ पे होता है वाइपर पानी, ठीक है, जो आपके सीधे साफ करने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे दिया एक फैन बेल्ट, उसकी भी क्वालिटी मिस्त्री से चेक करा लेना, हमें समझ में नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखो। नई गाड़ी होती है तो 3 सर्विस कंपनी देती है, उसके बाद हर 10 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की सर्विस कराओ और मिस्त्री के टच में रहो, कोई अच्छा मिस्त्री सेलेक्ट करो। कंपनी से कराना है तो सारे बिल आपने क्या करना है, कंप्यूटर सर्विस पे चढ़ा दो। इसके फायदे क्या हैं कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम सर्विस कराने जाओगे पिछले बिल में देख सकते हो हमने सर्विस में क्या क्या करवाया था, क्या हमें नया डलवाना है, क्या हमने पुराना। यहाँ होते हैं स्पार्क, ठीक है, 1, 2, और 3, ये 40000 किलोमीटर पर हमने चेंज कराने होते हैं, उससे पहले चेंज नहीं होते, बीच में फिर भी ज़रूरत पड़ रही है करा सकते हैं। और यहाँ इंजन ऑयल जब 20000 किलोमीटर चल जाए गाड़ी, इसको पूरा फ्लैश करो और दोबारा से नया ऑयल डलवाओ, इतना ध्यान रखो। और सर्विस के दौरान खुद मिस्त्री के पास रहो, वहाँ देखने से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब चलते हैं ड्राइविंग की तरफ, ठीक है, बंद कर दो, जैसे हमने खोला था वैसे हम बंद कर देंगे। रेस मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रखते हुए जब भी यू टर्न की प्रैक्टिस करनी है तो गाड़ी होनी चाहिए पूरी लेफ्ट, कहाँ होनी चाहिए? उसके बाद हमने इंडिकेटर राइट का दे देना है, पीछे वालों पता चल जाए कि हम राइट जाने वाले हैं। और टर्न कब करेंगे, जब ये डिवाइडर चल रहा है डिवाइडर की सीध आपके सीध में आनी चाहिए, स्टीयरिंग की सीध में आनी चाहिए, जब आ जाएगी स्टीयरिंग की सीध में राइट में देख के कंटिन्यू राइट घुमाते हो, आप घुमाते हो और घुमाते हो कंटिन्यू, और घुमा के रोड के लेफ्ट पहुँचेंगे और लेफ्ट में हमने सीधा कर देना है। वापस से देखो एक बार फिर करा रहे हैं, अभी तो रेस मेंटेन करके चलो लेफ्ट ही लेफ्ट,
यू टर्न जब जब मारेंगे गाड़ी हमारी लेफ्ट होनी चाहिए, तभी हम अच्छा सा यू टर्न मार पाएंगे। रेस रोकॉल कल का चलते रहो, और टर्न करने से पहले 20 कदम पहले 50 कदम पहले जैसे आपको दिख रहा है इंडिकेटर राइट का मारना है, क्यों राइट जा रहे हैं, दे दो इंडिकेटर नीचे है। और इसका वेट करेंगे, जैसे डिवाइडर हमारी सीट में आ रहा है स्टेरिंग की सीट में, राइट घुमाते आएंगे, राइट देखते हो कंटिन्यू घुमाओ और घुमाओ और घुमा के रोड के लेफ्ट पहुँचना है और लेफ्ट गाड़ी को सीधा कर लेना। कोई दिक्कत समझने में? रेस मेंटेन करो, सिया सिया चलो। अब गली में लेफ्ट राइट का आपको थोड़ा समझाएंगे कि लेफ्ट कैसे टर्न करते हैं राइट कैसे करते हैं, ठीक है? चलते रहो सिया सीधा। हमारी लेफ्ट चल रही है, हमने राइट जाना है तो राइट के पहले इंडिकेटर दे देना है। तो बड़ा मोड़ करेंगे, बड़ा मोड़ कैसे करेंगे, इंडिया नीचे दे दो। जैसे कोई भी कॉर्नर आ रहा है उसका कॉर्नर को देख के घुमाते आएंगे बोनट को देखते हुए, उसके बाद रोड के लेफ्ट सीधा करेंगे। अब आगे से लेफ्ट जा रहा है तो निकट लेफ्ट का दे देंगे और अपने गाड़ी का बोनट देखेंगे, और जैसे ही बोनट और कोई भी चीज़ आ रही है जैसे दीवार कॉर्नर आ रहा है तो लेफ्ट पूरा आएंगे बोनट को देखते कंटिन्यू, और गाड़ी पूरी लेफ्ट ही लाना है और सीधा कर लेंगे। अगेन एक बार और लेफ्ट का करवा रहा हूँ, वापस आ जाए इंडिकेट लेफ्ट दे दो, हो गया लेफ्ट इंडिकेटर। फिर क्या करेंगे, क्लिच ब्रेक को पहले ले लेंगे, उसके बाद लेफ्ट करते हुए कॉर्नर छोटा करेंगे, कंटिन्यू आ जाओ छोटा एकदम, और पूरा जब लगे इधर दीवार की तरफ जा रहा है तब हम सीधा कर लेंगे हाथ को। वापस राइट का दिखा रहा हूँ, इंडिकेटर राइट का दो, बड़ा मोड़ करेंगे दीवार का कॉर्नर का वेट करेंगे आपकी स्टेरिंग की सीट में, जैसे ही आएगा बड़ा मोड़ राइट बोनट देखते हुए करते आएंगे और फिर लेफ्ट में गाड़ी को सीधा कर लेंगे, सीधा सीधा चलते रहेंगे। हमने क्या डिवाइडर के साइड चलना सीखना है, तो राइट साइड हमने कवर कर ली। राइट साइड कवर करने के बाद हमने ध्यान क्या रखना है, सेंटर में ज़्यादा देखना है आपने, उसके बाद क्या करना है लेफ्ट में ज़्यादा देखना है। सेंटर देखना कौन आपके पीछे चल रहा है, लेफ्ट देखना कौन आपको ओवरटेक कर रहा है, और जो पीछे से ओवरटेक करेगा खुद अपने आप को बचा के निकालेगा। सामने ब्रेकर, आधा क्लिच आधा ब्रेक, तो 10 कदम पहले हमने क्लिच की हेल्प लिए और बोनट जैसे ही ब्रेकर को टच करेगा ब्रेक छोड़ेंगे, दोनों टायर निकलने का वेट करेंगे, फिर हल्का हल्का रेस लेंगे और जैसे रेस लेंगे क्लिच छोड़ देंगे। तो जब रेस दबाते हैं क्लिच नहीं दबाते हैं, क्लिच दबाते हैं तो रेस नहीं दबाते हैं। सामने फिर एक और ब्रेकर आ रहा है, हमने डिवाइडर कवर कर रखा है, ऑटो में लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है तो वो खुद अपने आप को बचा के ले गया। तो राइट साइड चलने का फ़ायदा क्या मिला, राइट भी सेफ और लेफ्ट भी सेफ। आप लेफ्ट भी चल सकते हैं राइट भी चल सकते हैं, चॉइस नहीं है, एक फिक्स नहीं है, ऐसा है ना। क्लिच ब्रेक, फिर बोनट जैसे टच होने वाला है ब्रेक छोड़ेंगे, हल्का हल्का रेस लेंगे दोनों टायर निकलने के बाद, और जैसे ही रेस लेंगे क्लिच छोड़ देंगे। फिर डिवाइडर मिल रहा है, राइट में देख के फिर डिवाइडर कवर कर लो। तो गवर्नमेंट ने डिवाइडर से 1 फुट पे व्हाइट पट्टी बनाई है, उसके बगल में चलाना है। तो आप गोल मिरर में देखेंगे तो हमने 1 फुट 1.5 फुट हमने जगह छोड़ रखी है। आगे वाला हमने बोनट का कॉर्नर देखा तो हमारी गाड़ी चल रही है, पता चल रहा है कहाँ चल रही है। लेफ्ट से कितने सारे ऑटो में ओवरटेक करके चले गए, आप सेंटर में नज़र मारते रहो। जब कोई गाड़ी ओवरटेक करे स्टम्प रेस नहीं बढ़ानी होती है। फिर क्लिच ब्रेक कर लिया आपने बिना बोले ही हुए, बोनट जैसे टच हो रहा ब्रेक छोड़ेंगे, दोनों टायर निकलने का वेट करेंगे, फिर रेस लेंगे और जैसे रेस लेंगे क्लिच छोड़ देंगे। रेस बना के हाथ हल्का रख के अपने कंट्रोल गियर में चलना है। जब फर्स्ट गियर होगा वही कल वाली रेस जो मैंने बताया है 10 की रेस, और सामने कोई गाड़ी 10 कदम पीछे। सेकेंड गियर कम हाउल है तो आपने सेकेंड गियर लगाना, रेस 20 या 25 जज करनी है, और आगे कोई गाड़ी चले 20-25 कदम दूर रहना है। अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन करना सीख लिया आप आगे वाली गाड़ी से कभी नहीं ठुकेंगे। और कोई साइड कवर करके चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे तो लेफ्ट चल लो और राइट चलेंगे तो राइट चल लो। जैसे मैं भी आगे से लेफ्ट लूँगा, क्रॉसिंग आ गई लेफ्ट देखो, धीरे धीरे हम लेफ्ट आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिवाइडर के साथ चला के दिखा दिया, अब यहाँ क्या करेंगे लेफ्ट चला के दिखा रहे हैं। लेफ्ट में दिक्कत क्या आएगी कंपेयर करके देखो, कि जैसे अभी आंटी लेफ्ट में चल रही है ऑटो खड़ा है उनको बचाना है, और राइट से जो निकल रहा है उसको बचाना, तो यहाँ आपको दोनों जगह अलर्ट रहना पड़ेगा। पर डिवाइडर के पास आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि आपको किसी भी साइड को बचाने की ज़रूरत नहीं है। काम समझ में आ रहा जी? कल कैसा था और आज देख लो कैसे लग रहा है। बस हमने क्या धीरे धीरे रोज़ इम्प्रूवमेंट करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। एक ही बार मैं आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिखा सकता हूँ, पर लेके नहीं जाऊँगा आपको, पहले फर्स्ट सेकेंड गियर आपके पकाऊंगा। अब राइट से गाड़ी गई है, लेफ्ट से हमने इधर भी बचाना है, आगे लेफ्ट में ऑटो खड़ा है उसको बचाना है,
राइट देखना है, तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, अब आप राइट कवर कर लो और राइट कवर करके धीरे धीरे अपने गियर के अकॉर्डिंग माहौल को पढ़ते हुए चलते रहेंगे। माहौल अगर आपको पढ़ने में आ गया कि आपको काम करना है क्या है, तो लोग आपको अखबार में नहीं पढ़ेंगे और आराम से आप बने रहेंगे, जो आप काम करना चाह रहे हैं हर कंपटीशन को पार कर जाएंगे। फिर क्लच ब्रेक, फिर ब्रेक छोड़ देंगे, रेस रख के चलो और हाथ को हल्का रख के कोशिश करो, जितना मन हल्का रहेगा, हाथ हल्का रहेगा, उतना बढ़िया आप काम कर पाएंगे। बढ़िया, चलते रहो डिवाइडर के पास पास। हमने डिवाइडर फिर कवर कर लिया, आज हम पुलिस लाइन चौड़ाया, तीर्थम सर्कल, हनुमान हत्ता, खंडेलवाल से घूम के चले आ रहे हैं। अब समय अच्छा बनाओ खड़गी की रेस का, जैसे मैं 30 की रेस मेरे बिलेट बनाओ, डिवाइडर के पास रखो गाड़ी को, एक साइड ही रखेंगे, क्या रखेंगे हम, थोड़े से दूर आ गए तो लोग दोनों साइड से निकलेंगे, रेस और बढ़ाओ। 30 की रेस बना रहे, हाथ की पोजिशन हमारी अब ऐसी रहेगी, समय बनाओ 30 का, थोड़ा और जाओ रेस, आने वाली रेस आगे फ्लाई ओवर आ रहा है, देखेंगे कि कौन से गियर में चढ़ सकते हैं। 30 की रेस तो बन गई, क्लच नीचे, आगे न्यूट्रल, हाथ हल्का करो, फिफ्थ या थर्ड रेस बढ़ाओ, क्लच छोड़ दो, ये अंकल रॉन्ग आ रहे हैं, इनको लेफ्ट से आना चाहिए, बढ़ा कर रखो रेस, पूरी क्लच छोड़ दो, रेस और बढ़ाओ। अगर समय बना चौथे की रेस का तो चौथा गियर लगा लेना, नहीं बना तो थर्ड में चलेंगे। फिर लैप देख लो, सेंटर देख लो, अपने आप को अलर्ट रखो, अपने कंट्रोल की रेस लेके चलो, मन हल्का रखेंगे, बनाए रखो रेस, हाथ हल्का रखे देखो एक बार, बस जितना आप हल्का रखेंगे उतना अच्छा बैलेंस बना लेंगे। रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, पहले दिन से कैसा लग रहा है आप? सही लग रहा है। अपने आप को रोज पहले दिन से कंपेयर करना, रेस और बढ़ाओ, चौथे का माहौल नहीं बनना, चलते रहो, चलते रहो, लेफ्ट लेफ्ट दीवार के पास पास, लेफ्ट देखते रहो, वापस से गाड़ी ओवरटेक कर रही है, सेंटर देखो। अब हाईवे पे क्या होता है, हाईवे हो, गली हो, मार्केट हो, कहीं भी हो, जो भी गाड़ी हम ओवरटेक कर रही है वो हमारे सामने आती है, उस टाइम आपने रेस नहीं बढ़ानी है। आप ओवरटेक करेंगे तो पहले आगे का एरिया देखेंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे तब ओवरटेक करेंगे, उसमें आपको रेस डबल करनी पड़ती है तब ओवरटेक होता है। अभी भी नहीं आया हमारा, 40 का रेस क्रॉस नहीं हुई है, और मीटर भी लिखा हुआ बोर्ड पर कि 30 की रेस रखनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 की रेस लेके चलो, आगे वाले का दूरी मेंटेन करो। 40 की रेस बन गई, रेस को छोड़ेंगे, क्लिच नीचे, पूरा गियर दो बार पीछे, एक दो ये लगाओ पीछे, एक दो रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ता हूँ। उतरते समय भी हमने ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है रोड खाली पड़ा है तो तेज चलाना, नहीं तो अपने स्लो रखो, कंट्रोल को राज पहला देना, स्लो करो, पैर ब्रेक पे लाओ, आधा क्लिच ब्रेक करके स्लो करके आ रहे हैं, अपने कंट्रोल में रेस ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 चलाएंगे अभी। मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो, डिवाइडर के पास चलने का फायदा यह है कि आप दोनों साइड शेप चल रहे हैं, लेफ्ट भी चल रहे हैं और राइट भी चल रहे हैं, बस दोनों मिनट देखते रहो, अपने कंट्रोल की रेस लेके चलते रहो, बहुत बढ़िया। मेंटेन करके हाथ हल्का रखो, सिटी से बाहर निकल चुके हैं, क्रॉसिंग हमने सेकंड गियर में करी थी, लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, तीस की रेस आ रही है, तो जिस पैर से रेस बढ़ेगी रेस को छोड़ो, क्लिच दबा दो, आगे न्यूट्रल करो, करो सीधा, एक बार और कर दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, बना कर रखो रेस, समय लेके जा रहे हैं 40 की रेस में, जैसे ही 40 की रेस बन जाएगा उससे पहले अच्छा बैलेंस बनाओ, आगे का माहौल को पढ़ो, माहौल कह रहा है चौथा गियर लगाओ, पांचवा गियर लगाओ, तो लगाना है, नहीं लगाना है तो माहौल नहीं है तो नहीं लगाना है, क्योंकि माहौल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो लोग हमें अखबार में पढ़ेंगे, और एक ही दिन खबर छपती है, ध्यान रखना, और उस दिन लोग तारीफ भी बहुत बढ़िया करते हैं, बंदा बहुत बढ़िया था, क्या ऑनेस्टी था, क्या मीठा बोलता था, और जब तक जिंदा था जहरीला था। फिर लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, नोट्स बना रखेंगे रेस, थोड़ा और रेस चाहिए, 40 रेस जैसी हमारी बनेगी, हमारे हाथ की पोजीशन तैयार ही है, थोड़ा और चाहिएगा, रेस को छोड़ दो, क्लिच नीचे दबाओ, गियर दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, जैसे आपकी गाड़ी ब्रेज आए उसमें पाँचवा गियर है, अभी एक्सयूवी वगैरह आ रही है उनमें छठवा गियर है, तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से गियर बढ़ रहे हैं, पर आपको छठवा जाना है या सेकंड से हमने थर्ड लगाया है, वैसे हमारा चौथे से पाँचवा गियर लगता है, जिसको थर्ड गियर लगाने आ गया वो पाँचवा गियर लगा सकता है, और जिसको थर्ड से चौथा गियर लगाने आ गया वो छठवा गियर लगा सकता है पाँचवें पीछे। रेस बना के हाथ तक करके अपने कंट्रोल से हॉर्न देते हुए चलते रहो, बहुत बढ़िया, कुत्ते पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो सुसाइड करने के मूड में, हमने उसे बचा दिया, लेफ्ट से गाड़ी आ रही है, स्लो करो, स्लो करो, ब्रेक छोड़ो जल्दी से, और मीटर पर रेस देखो, क्लिच नीचे दबाओ, सेकंड लगेगा, क्लिच दबाओ नीचे, आगे न्यूट्रल करो, लेफ्ट झुकाओ और पीछे, बहुत बढ़िया, क्लिच लूज कर दो हल्का हल्का। तो हमने पहले क्या किया, गाड़ी वाले ने हाथ दिया, हमने गाड़ी को स्लो किया, क्या किया, स्लो करने के बाद हमने गियर डाउन किए, अगर हम गियर डाउन करते तो आगे वाली गाड़ी में ठुक जाती, तो वो स्पीड कम नहीं होती है,
फिर थर्ड गियर लगा रहे, जल्दी से क्लिच नीचे, न्यूट्रल सीधा थर्ड, एक और दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, बना करो रेस, फिर जैसे मौका मिलेगा फिर चौथा गियर लगाएंगे, 40 की रेस बना लो, फिर लेफ्ट देख लो, सेंटर देख लो, मन हल्का रखो, मौसम के हिसाब से पल पल में गियर डाउन करने पड़ते हैं। मौसम बारिश का है तो लोग छतरी लेके निकलते हैं, मौसम क्या कहते हैं धूप का है तो सन ग्लासेस और सन स्क्रीन लगा के चलते हैं। क्लिच नीचे गियर दो और पीछे, एक दो, फिर रेत बड़ा क्लिच छोड़ते हैं, मन हल्का रखो, छे से चलते रहो, बहुत बढ़िया, मन हल्का रख के, हाथ हल्का रख के, ठीक लग रहा है, काम समझ में आ रहा है, इसको हमने और अच्छे से करना है, ठीक है, चलते रहिए। चल रहे हैं सिंगल रोड के हाईवे पे, तो हमने क्या देखना है कि सेंटर ज़्यादा देखना है और राइट ज़्यादा देखना है, ठीक है। सेंटर देखना है कौन आपके पीछे चल रहा है, 30 की रेस आगे, रेस को छोड़ो, क्लिच नीचे दबाओ, न्यूट्रल करो, अब यह था बड़ा कर रखो, रेस चलते रहेंगे, हाथ हल्का रखेंगे, समय का वेट करेंगे चौथा गियर लगाने का, ठीक है, चलते रहो, शेर से चल रहे हैं। ये बजरंग दौरा धाम या हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, बीकानेर में, बना के रखेंगे रेस, 40 की रेस बना रहे, आई का माहौल देखते हुए 40 की रेस होगी, क्लिच दबाओ नीचे, गियर दो और पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हम, और बढ़ाओ रेस, मन हल्का रख के, हाथ हल्का रख के, जैसा आपका कंट्रोल हो वैसे चलानी, गाड़ी पूरी लेफ्ट रहेगी, लेफ्ट कॉर्नर देख लो, राइट देख लो, सेंटर देखो कौन पीछे है, राइट देखो कौन आपको ओवरटेक करने वाला है, बना के रखेंगे रेस, और यहाँ लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, सिंगल लोड तो पूरा लेफ्ट रखेंगे, आप ध्यान क्या रखना है, जैसे मेन हाईवे पे थे उस दिन डबल रोड वाले पे, कोई आपकी गाड़ी को ओवरटेक करना स्लो करो, आपको ओवरटेक करना तेज करके साइड आ जाओ, रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो और लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो, कोई दिक्कत अभी तक, रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, बहुत बढ़िया, आगे से गाड़ी ओवरटेक कर, हल्का सा भी स्लो कर लो, गाड़ी वहाँ ओवरटेक करी हमने स्लो भी कर लिया, अब वो निकल के वापस रेस ले लो, आगे से गाड़ी ओवरटेक करी या पीछे से करें, आपको इस टाइम हल्का स्लो करना है, साइड दबानी है, बना रखो रेस, चलते रहेंगे लेफ्ट 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 लेफ्ट, आगे अब चढ़ाई आ रही है, चढ़ाई पर ध्यान रखो, ओवरटेक नहीं करते, जिस गियर माहौल में चल रहे हैं उसी गियर में बनाए रखो रेस को, आगे हमें नहीं पता कितनी गाड़ी आ रही है, एक आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, चार आ रही है, तो हमने क्या यहाँ लेफ्ट लेफ्ट रखना है, रेस बना रखेंगे, हाथ हल्का रखेंगे, लेफ्ट लेफ्ट, तो सिंगल होल्डर अपनी लेफ्ट साइड कवर करके चलते रहेंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो, रेस बढ़ाओ, तो रेत की साइड चली जाती है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपने, थोड़ा अपने आप को तो काम बन जाता है, बहुत बढ़िया, चलते रहो लेफ्ट लेफ्ट, सिंगल रोड पे लेफ्ट लेफ्ट चलते रहेंगे, स्कॉर्पियो निकल रही है वो अपनी साइड निकल जाएगी, आप अपनी साइड बने रहो, बहुत बढ़िया, ऑटो भी अपने साइड निकल जाएगा, सिंगल रोड में बस आपने गाड़ी लेफ्ट लेफ्ट चलानी है, तो ये जरूरी नहीं कि हम गाड़ी तेज चलाएं, जरूरी है कि आप सेफ कैसे रह सकते हैं, फिर सेंटर देखो, राइट देखो, गुड, बैलेंस भी बढ़िया बनने लग गया, गियर भी टाइम से लगा रहे हो, निकाल भी रहे हो, भीड़ में भी बढ़िया चला रहे हो, इसी काम को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाया जाना है, और रेस बढ़ाओ लेफ्ट लेफ्ट, चढ़ाई पे हमें दिख रहा कौन आगे, हम अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेफ्ट रखेंगे, बहुत बढ़िया, बैलेंस बना के हाथ हल्का रख के लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो, गुड,